हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में इन्फोटेक हेमू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये मेरे पास थी बुश एंड्रॉयड स्मार्ट एलईडी टीवी। जी हाँ, ये इसका रिमोट है और एक्चुअली अभी इसमें एक प्रॉब्लम आने लगी है। इसका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है। स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, 60 ईयर्स ऑफ ट्रस्ट बुश टीवी काफ़ी अच्छी है और HD सपोर्ट है, साउंड काफ़ी अच्छा है, स्मार्ट टीवी है, एंड्रॉयड फीचर्स हैं, इंटरनल मेमोरी है, ठीक है। और ये हमारी स्मार्ट क्लाउड टीवी है, ऑन हो चुकी है विजडम शेयर। बट अभी एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि इंटरनेट पहले कनेक्ट होता था, वीडियोज़ भी डाली थी, अब इसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा चलिए एक बार दिखा भी देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा सिस्टम आ गया, हमारा होम आ गया है, ठीक है। जो डिस्प्ले होती है, मैंने ऐप्स हैं, ऐप स्टोर है, मीडिया नेटवर्क सेटिंग है, यूट्यूब है, TV असिस्टेंट है, ठीक है। और ऊपर ब्राउज़र है, इंटरनल मेमोरीज है। बट अभी इंटरनेट जब मैं फ़ोन से कनेक्ट कर रहा हूँ तो अब इसमें इंटरनेट कनेक्ट एक्चुअली नहीं हो रहा है। क्या आपकी स्मार्ट टीवी में भी ये दिक्कत आ रही है? जिनके पास बहुत स्मार्ट LED TV है वो एक बार ज़रूर कमेंट करें। और मैंने कस्टमर केयर पे भी कॉल करने की कोशिश की, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। TV इन्फॉर्मेशन देखो, मैं आपको अपनी दिखाता हूँ। ये देखिए, इंटरनल मेमोरी भी 8 GB है, इवन एंड्रॉयड वर्जन 5.1.1 है, स्मार्ट TV है, ठीक है। सिस्टम अपग्रेड हो चुका है फिर, बट जैसे मैंने इसको अपग्रेड किया था, ठीक है, 2 कोर का इसमें प्रोसेसर है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोसेस 2 कोर। बट जैसे मैंने अपडेट किया था उसके बाद में एक्चुअली इसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और इंटरनेट को लेकर काफ़ी इश्यू मैं फेस कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप भी कमेंट करिए कि आप भी इंटरनेट को लेकर ऐसा इश्यू फेस कर रहे हैं, इंटरनेट आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है। और मोबाइल से मैं हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ तो ये इसका वाईफाई हॉटस्पॉट को कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ TV का भी मैं हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ, जैसे VLAN हॉटस्पॉट है, वो मोबाइल में कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा इश्यू देखने को मिला है इसमें अभी। बट काफ़ी कम से कम 2-3 साल बाद ऐसा इश्यू आया, इवन 2 साल बाद ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो देखते हैं, रिसेट मार के देखूँगा एक बार, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कस्टमर सर्विस सेंटर पर विजिट करूँगा। अब तो बुस्का रिलायंस के पास आ चुका है मे बी, तो देखते हैं अभी क्या आप भी ऐसा इश्यू फेस कर रहे हैं इंटरनेट को लेकर, ठीक है। आप भी ज़रूर अपना ओपिनियन शेयर कीजिए जिन लोगों के पास बस LED TV है, क्योंकि रूरल एरिया में मोस्टली ऐसा TV है, जबकि हम सिटी में रहते हैं बट फिर भी रूरल एरिया है, तो वहाँ पे ऐसी ब्रांड है, ब्रांड तो सारे हैं बट बुश का मुझे अच्छा लगा कि अंडर बजट TV है और सारे फीचर्स हैं और TV इतना यूज़ नहीं होता है, घर पे नॉर्मली यूज होता है, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं ही, तो इस वजह से ये इसका रिमोट रहा, आप देख सकते हैं। बट TV तो काफ़ी अच्छा निकला है, साउंड वगैरह, HD क्वालिटी, इंटरनेट सब चलता था। अभी बस इंटरनेट इश्यू आया, आपके में आया, ज़रूर अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ये देखिए, यूट्यूब चल ही नहीं रहा, इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। चलिए, थैंक यू यार, आप भी अपना ओपिनियन